देख रहे हैं ग्लिम्सेस ऑफ नया। आज की वीडियो के टाइटल से तो आपको पता लग गया होगा वीडियो किस बारे में है। तो वीडियो है समर टोनर के बारे में। तो समर्स में, गर्मियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। आपकी स्किन को जिंदा रखने के लिए कह सकते हैं कि समर टोनर्स जो हैं वो आपके लिए बेस्ट है। ईजिली कैरी कर सकते हो अपने हैंड बैग्स में। तो जो समर टोनर्स है ना, जो मैं स्पेशली यूज़ करती हूँ, वही मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। तो जो जो मैंने यूज़ किए हैं, जैसे जैसे मुझे उनके इफेक्ट्स और रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैं वही आपको बताऊँगी। तो मैंने 3 टोनर्स बनाए हैं। जो नंबर 1 समर टोनर है वो है एप्पल साइडर विनेगर और ग्रीन टी का। तो उसकी वीडियो पहले देख लेते हैं। तो चलें जी, वीडियो देख लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर है, ये हमारे पास ग्रीन टी है। ग्रीन टी आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हो, जो भी आप पीते हो, जो पसंद करते हो वो। और ये एप्पल साइडर विनेगर आपको किसी भी बेकरी शॉप से या आपके पास जो भी करीबी जहाँ से केक या बेकिंग का सामान मिलता है, ये वहाँ से मिल सकता है, आपको ईजीली मिल सकता है। तो आपने ये डबल क्वान्टिटी दोनों की कर लेनी है, सेम क्वान्टिटी है दोनों की। इनको मिक्स करके आपने दोनों को डबल कर लेना है। ये दोनों को हमने डबल कर लिया है। अब हम इसको अपनी स्प्रे बॉटल में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे और इसको हम टोनर एज अ टोनर यूज़ करेंगे अपने फेस के लिए। आप इसको फ्रेश जब भी बनाओगे, एक वीक के लिए, एक हफ्ते में यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा बनाओगे तो आप वो ख़राब होने का भी खदशा है, क्योंकि ग्रीन टी ख़राब भी हो सकती है। तो इसकी वजह से आप उतना ही एक वीक के लिए फ्रेश जो है वो आप बनाओ। तो अब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक टोनर अपना रेडी कर लिया है। तो ये आपने दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना अपने फेस पे। इसकी डिटेल मैं सारी आपको वीडियो में बताऊंगी। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है अपनी बॉटल में। तो बाकी की वीडियो चलें देखते हैं। तो जी, वीडियो आपने देख ली है, तो इसको पहले अप्लाई करके मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। इसको अच्छी तरह शेक कर लें। आँखें थोड़ी देर के लिए नहीं खोली, ताकि आपकी आँखों में जो टोनर है वो आपकी आइज़ में, आपकी आईज़ को इफ़ेक्ट ना करे। तो आप इजीली अपनी आईज़ तब खोलें जब थोड़ा सा सेट हो जाए। मैंने समर टोनर है वो अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। तो ग्लो देख सकते हो इसकी, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पर है। इसके बेनिफिट्स बाकी सारे समर टोनर से ज़्यादा हैं। मैं आपको यही ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला इस्तेमाल करें। इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। एप्पल साइडर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो। आपको फर्स्ट नंबर पर जो समर टोनर है वो कहूँगी कि आप ये वाला यूज़ करें, एप्पल साइडर विनेगर और ग्रीन टी का। सेकंड जो है समर टोनर, उसकी वीडियो देख लेते हैं। तो चलें जी, वीडियो देख लेते हैं। वीडियो पर लेमन जूस हमारे पास 2 अदर हैं। 2 अदर लेमन जो आप उसका स्क्वीज़ कर लें जूस। और हमारे पास क्यूकम्बर जूस है, हाफ क्यूकम्बर जूस है। इसको अब हम इसमें ऐड करेंगे। सिर्फ हम इतना सा क्यूकम्बर जूस में ऐड करेंगे, लेमन जूस। और ये हमारा जो सेकंड टोनर है वो रेडी है। तो जो हमारे पास सेकंड टोनर है वो ये रेडी है, क्यूकम्बर और लेमन जूस का जो टोनर है वो ये रेडी है। तो इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखती है सेकंड समर टोनर की, तो वो है क्यूकम्बर एंड लेमन जूस का। ये समर टोनर है, मैं इसको कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा एप्पल साइडर वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे उसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं, तो मैं वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अब हम ये जो है सेकंड वाला समर टोनर है वो अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ड्राई होने दिया करें, ताकि आपके फेस पर जो है अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो जी, सेकंड समर टोनर भी हो गया क्यूकम्बर एंड लेमन जूस का। तो थर्ड जो समर टोनर है वो आप इजीली अपने स्प्रे बॉटल में भी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं डल जाता तो आप क्यूब्स बनाकर उसको ऐड कर सकते हो, अपने फेस पर अप कर लो। पर मैं जो यूज़ करती हूँ सर, थर्ड वाला जो है मेंट का, वो मैं स्पेशली क्यूब्स बनाकर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है। तो मैं ज़्यादातर उसको क्यूज़ में ही यूज़ करती हूँ। तो वो अब देखते हैं उसको बनाने की वीडियो। पहले आप वीडियो देख लें, तो फिर मैं आपको वो अप्लाई करके दिखाऊंगी। हमें पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अर्किया गुलाब है। आप घर का भी ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं घर का। हम इसमें वो ऐड करेंगे पहले। अब हम इसमें एलोवेरा ऐड करेंगे, जस्ट 1 टीस्पून। सिर्फ ये ऐड करेंगे, पहले इनको मिक्स कर लें।
अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। और लास्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है मिंट लीव्स। ये 10 से 15 जो मिंट लीव्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसको अब हम इसमें ऐड करते हैं। ये फ्रेश अगर आप क्यूब्स में भी फ्रीज करके रख सकते हो तो वो भी आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहते हो तो। इनको ये रेडी है। अब आप इसको स्प्रे बॉटल में ऐड करके आप अपने स्प्रे कर सकते हैं या क्यूब्स बना के आप इसको अपने फेस पे रब कर सकते हैं। बस जो थर्ड जो टोनर था मैंने उसके क्यूब्स बना लिए हैं इस तरह आप देख सकते हो। तो ये क्यूब्स बड़े अच्छे मज़े के लग रहे हैं मुझे, ठंडे ठंडे। तो ये क्यूब्स हैं, ठीक है। इन क्यूब्स को आपने डेली रब करना है अपने फेस पे, तो ये भी आपकी स्किन को ब्राइट करते हैं। इसकी वीडियो आप देख चुके हैं। तो इन क्यूब्स को मैं अपने फेस पे रब करूँगी पहले, ये नहीं जहाँ मेरा कभी भी ठीक नहीं रह सकता। अभी मैं इसको फर्स्ट रब करूँगी अपने फेस पे। बहुत अच्छे, अब गीला हो जाएगा। इस तरह से आपने अपने फेस पर रब करना है, आईज पे भी, ये डार्क सर्कल्स भी कम करते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मैं मेंशन कर दूंगी। और तमाम चीज़ों के बेनिफिट्स और कैसे बनाया जाता है इनको, मैं तमाम रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइप कर दूंगी, लिख दूंगी, ताकि इजीली आपको कुछ भी पता ना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और घरों में रहें, महफूज रहें, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।